रेडमी 7 सीरीज लॉन्च होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है, जनवरी 10 को लॉन्च होने वाला है, लेकिन ली जून जो शाओमी के सीईओ है उन्होंने ऑलरेडी फोटोज, एक्चुअल फोटोज जो है वो लीक कर दिए हैं। और क्या कलर्स हैं दोस्तों, उफ जी हाँ, रेड पर्पल, ब्लू पर्पल, ब्लैक, ऐसे शाइनी बैक के साथ है। तो ये जनरली जो रेडमी के फोन्स के जो डिजाइंस हैं प्लेन वैसे नहीं है, अब शाइनी आएंगे और साथ में एक 2.5D कर्व्ड ग्लास है, फ्रंट बैक एकदम जबरदस्त ग्लास सर्विस के जैसा होने वाला है। ओवरऑल रेडमी 7 सीरीज एक अलग होने वाली है, पहली बार रेडमी ब्रांड के नीचे आने वाला है, शाओमी नहीं। रेडमी 7 के बारे में और दो चीजें बाहर आई हैं, दो चीजें तो नहीं दोस्तों, दो वीडियोस बाहर आए हुए हैं और ये दिखाते हैं ड्यूरेबिलिटी रेडमी 7 के फोन्स की। जी हाँ, बेसिकली मोटे मोटे लोग फोन नीचे करके उसके ऊपर जंप कर रहे हैं, फिर भी उसके स्क्रीन को कुछ नहीं हो रहा है। और आज जो दूसरा वीडियो बाहर आया है उसमें तो एक लड़की बड़े बड़े हील्स के साथ उस फोन को नीचे डाल के कुचल रही है उसके हील्स के साथ जोर से। जी हाँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली मैं कहता हूं आपको कि रेडमी 7 सीरीज के जो फोन्स होने वाले हैं उसमें गोरिल्ला ग्लास आने वाला है, ये यही दिखाना है कि ड्यूरेबल कितना है हमारा फ्रंट और बैक ग्लास। देखते हैं जब आएगा, सब डिटेल्स आपको जरूर देंगे। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसे, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 305। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन को जोर से बजा दीजिए, देखिए कितने जोर से बजता है। और हाँ, दो वीडियोस अपलोड किए इंग्लिश चैनल पे OnePlus 7 के बारे में और इस चैनल पे Vivo Nex 2 के बारे में, डुअल डिस्प्ले वाला, जरूर देखिए वो वीडियोस। दोस्तों जियो फोन जब लॉन्च हो गया था तो सबसे ज्यादा सवाल एक चीज के बारे में आए थे, जियो फोन 1 के बारे में बात कर रहा हूं, कि हॉटस्पॉट है या नहीं। और फाइनली 1.5 साल के लॉन्च के बाद अब हॉटस्पॉट आ गया है। जी हाँ, जियो टेस्ट कर रहा है जियो फोन पे हॉटस्पॉट और वीडियोज भी कुछ कुछ बाहर आ गए हैं, तो बहुत ही जल्दी अपडेट के द्वारा आपके जियो फोन के ऊपर आने वाला है हॉटस्पॉट। दोस्तों इस टाइम गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस ही नहीं आने वाले, S10 लाइट भी आने वाला है और वो अब Geekbench पे लिस्ट हो गया है और ये होने वाला है 6GB रैम के साथ। लेकिन सरप्राइजिंग है कि ये आएगा Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर पे। जी हाँ, ये छोटी स्क्रीन के साथ होगा, 5.8 इंच वगैरह। बेसिकली एप्पल जैसे कर रहा है वैसे ही कर रहा है, उनका जो XR था, iPhone XR, वैसे ही ये ला रहे हैं S10 लाइट। और दोस्तों Xiaomi ने चाइना में लॉन्च कर दिए हैं Mi AirDots Pro। AirDots के नाम से आपको याद है, जी हाँ, Apple के AirPods जो हैं, जी हाँ, ऐसे व्हाइट वाले होते हैं और थोड़े नीचे आते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली सेम दिखने को है ये Mi के AirDots Pro। और इसकी जो प्राइस है चाइना में लॉन्च हुई है 399 RMB, इसका मतलब कुछ 4000 रुपये को है। और ये इंडिया में आने के चांसेस हैं, अगर 4000 में आते हैं इंडिया में तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे, क्या लगता है आपको? वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाया तो जरूर लगा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ लाइक कर दीजिए। दोस्तों Honor 10 Lite लॉन्च होने वाला था इंडिया में January 15 को, Flipkart एक्सक्लूसिव है ये, ऑलरेडी पता है, टीजर पेज ऑलरेडी लाइव हो गया है, पता है। लेकिन आज ऐसे उन्होंने डाला हुआ है कि भाई 8 बजे Flipkart के ऊपर हम उसका रिवील करने वाले हैं। तो बेसिकली आज रिवील करने वाले हैं, January 15 को क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन कल हमारा वीडियो आ रहा है Honor 10 Lite के ऊपर, उसके लिए जरूर रुकिएगा। और दोस्तों वक्त हो गया है आज के डील्स का, लेकिन ये आज की जो डील्स है वो कल से चालू होने वाले हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर Asus डेज चालू हो रहा है और Asus Zenfone Max Pro M1 के प्राइस और भी घट गए हैं 1000 रुपए से। 3GB वाला जो वर्जन है वो आपको मिलेगा 8999, आपको जो 4GB वाला वर्जन है वो मिलेगा 10999, और इसका जो 64GB वाला वर्जन है वो आपको मिलेगा 12999। 13000 में 6GB 64GB Max Pro M1 इज अ एक्सीलेंट डील दोस्तों, वैसे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और दोस्तों अब बढ़ते हैं CES, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए, लेकिन हमने टॉप के 4 अनाउंसमेंट आपके लिए लाए हुए हैं। सबसे पहले तो LG ने दिखा दिया है उनका रोलेबल टीवी, OLED टीवी, रोलेबल जो होता है। कुछ दिनों पहले मैंने ये न्यूज़ दी थी, आज CES पे उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है, बहुत जल्दी मार्केट में भी आ जाएगा। रॉयल, ये चाइनीज कंपनी है, फेमस हो गई थी उनके, उन्होंने सबसे पहले लेके आए, जी हाँ, फोल्डेबल स्मार्टफोन, सैमसंग के भी पहले लेके आए, लेकिन अब उन्होंने CES 2019 में डिस्प्ले कर दिया है उनका QWERTY कीबोर्ड, जो फ्लेक्सिबल है, रोलेबल है। जी हाँ, ऐसे इतनी सी स्टिक है और उधर से बाहर आता है पतली सी फिल्म और आप टाइप कर सकते हो। QWERTY कीबोर्ड अच्छा कीबोर्ड है, पता नहीं कमर्शियल कब आएगा, इंडिया में आएगा या नहीं, नो आइडिया। 2019 ये साल होने वाला है 5G का, और ये Qualcomm को पता है, और Qualcomm ने कहा है CES 2019 में, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 30 फोन्स आने वाले हैं जो Qualcomm के चिप्स पे होंगे और 5G को सपोर्ट करेंगे 2019 में।
और इंटेल ने शोकेस कर दी है उनकी 5G चिप जो 10nm टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ये मोबाइल कंप्यूटर मोबाइल प्रोसेसर तो नहीं है लेकिन 5G को सपोर्ट करता है। और आपको पता है एप्पल इंटेल के चिप्स यूज करने वाला है 5G के लिए। क्वालकॉम के साथ उनका झगड़ा हो गया। और दोस्तों हर रोज की तरह आज भी वक्त हो गया है ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी दिखा इस वीडियो में, इतना पूरा देखा है तो कुछ नहीं दिखाया आपको तो वापस जाके देखिए, आइए कमेंट्स में जाइए, #TTTH डालिए, साथ में टाइम स्टैम्प डालिए एंड स्पेसिफिकली आपने क्या देखा ये डालिए, क्योंकि अगर आप सही हो गए तो आप जीत सकते हो अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे टेक न्यूज के ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर है अनुज पाटिल। अनुज जी कांग्रेचुलेशंस, भेजिए बहुत ही जल्दी आपका अमेजॉन का ईमेल आईडी और हम भेज देंगे आपको आपका अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। 2-3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 3-4 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन गिफ्ट वाउचर आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 305 खत्म होती है इधर। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।